नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में। ये आपका आर्टिकल है भारत की आंतरिक सुरक्षा व चुनौतियों से संबंधित। तो बात करेंगे कि आखिर अभी ये किस ये चर्चा में आया हुआ है और फिर आपका आंतरिक सुरक्षा से तात्पर्य आखिर क्या है, क्या होता है आंतरिक सुरक्षा, उसे भी देख लेंगे। आंतरिक सुरक्षा के घटक क्या हैं उन्हें भी देखेंगे। आंतरिक सुरक्षा के समक्ष उत्पन्न जो चुनौतियां आ रही हैं, समस्याएं हैं, उन्हें भी देख लेंगे। बाह्य राज्य कर्ता अभिकर्ताओं की भूमिका क्या है इनमें, उन्हें भी देख लेंगे। गैर राज्य अभिकर्ताओं की क्या भूमिका है, उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। आंतरिक सुरक्षा प्रबंधन की खामियां क्या हैं, उसे भी देखेंगे। आंतरिक सुरक्षा को बेहतर करने के उपाय क्या हो सकते हैं, उन्हें भी देख लेंगे। ठीक। महान कूटनीतिक चाणक्य के शब्दों में, किसी भी प्रकार के आक्रमण से अपनी प्रजा की रक्षा करना प्रत्येक राजसत्ता का सर्वप्रथम उद्देश्य होता है। प्रजा का सुख ही राजा का सुख और प्रजा का हित ही राजा का हित होता है। प्रजा के सुख और हित को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने में दो वाहकों की भूमिका प्रमुख है, जिनमें पहला वाहक पड़ोसी या फिर अन्य कोई अन्य देश हो सकता है, जबकि दूसरा भाग राज्य के भीतर अपराधियों की उपस्थिति हो सकती है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है कि एक राज्य को निम्नलिखित चार अलग अलग प्रकार के खतरों का सामना करना पड़ सकता है: आंतरिक, दूसरा बाह्य, तीसरा है बाह्य रूप से सहायता प्राप्त आंतरिक, और चौथा है आपका आंतरिक रूप से सहायता प्राप्त बाहरी। भारत में आंतरिक सुरक्षा के परिदृश्य में उपयुक्त खतरों के लगभग सभी रूपों का मिश्रण है। वर्तमान में चल रही लॉकडाउन के बावजूद भारत बाह्य व आंतरिक सुरक्षा के स्तर पर विभिन्न चुनौतियों को झेल रहा है। इसका ज्वलंत उदाहरण पड़ोसी देश पाकिस्तान के द्वारा भारत में सीमा पार से आतंकवादियों को भेजने हेतु की जा रही फायरिंग, फिर चाहे आपका पंजाब में लॉकडाउन का पालन कराने के दौरान निहंग सिखों द्वारा जो किया गया पुलिस वालों पर हमला। ठीक है, उसी के एवज में आपका आर्टिकल लिखा गया है। अब बात करते हैं आखिर आंतरिक सुरक्षा से तात्पर्य क्या है। आंतरिक सुरक्षा का सामान्य अर्थ एक देश की अपनी सीमाओं के भीतर की सुरक्षा से है। आंतरिक सुरक्षा एक बहुत पुरानी शब्दावली है, लेकिन समय के साथ ही इसके मायने बदलते रहे। स्वतंत्रता से पूर्व जहां आंतरिक सुरक्षा के केंद्र में धरना प्रदर्शन, रैलियां, सांप्रदायिक दंगे, धार्मिक उन्माद थे, तो वहीं स्वतंत्रता के बाद विज्ञान एवं तकनीकी की विकसित होती प्रणालियों ने आंतरिक सुरक्षा को अधिक संवेदनशील और जटिल बना दिया। पारंपरिक युद्ध की बजाय अब छद्म युद्ध के रूप में आंतरिक सुरक्षा हमारे लिए बड़ी चुनौती बन गई है। बात करते हैं आंतरिक सुरक्षा के घटकों के बारे में। राष्ट्र की संप्रभुता की सुरक्षा, देश में आंतरिक शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, कानूनी व्यवस्था बनाए रखना, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व एवं सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना, यह आपकी आंतरिक सुरक्षा के प्रमुख घटक हैं। अब बात करते हैं आंतरिक सुरक्षा के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों के बारे में। भारत की भू राजनीतिक स्थिति, इसके पड़ोसी कारक, विस्तृत एवं जोखिम भरी स्थलीय वायु और समुद्री सीमा के साथ इस देश के ऐतिहासिक अनुभव इसे सुरक्षा की दृष्टि से अति संवेदनशील बनाते हैं। इस संदर्भ में आंतरिक सुरक्षा के सम्मुख निम्नलिखित चुनौतियां हैं: नक्सलवाद कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों के उस आंदोलन का अनौपचारिक नाम है जो भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ। नक्सल शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के छोटे से गांव नक्सलवाड़ी से हुई थी। नक्सल जो आपका शब्द है, इसकी उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव नक्सलवाड़ी से हुई थी। वर्ष 1967 में चारू मजूमदार और कानू सन्याल ने इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। जल्द ही नक्सलवाद ने देश के कई राज्यों को अपनी चपेट में ले लिया। परिणाम स्वरूप नक्सलवाद ने हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। आज नक्सलवाद देश की आंतरिक सुरक्षा के समक्ष सबसे बड़ी चुनौतियों के रूप में
मौजूद है। पर्याप्त धार्मिक कट्टरता और निजातीय संघर्ष। स्वतंत्रता के बाद से लेकर अब तक भारत में अनेक सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, जिसमें भारत की बहुलतावादी संस्कृति को छिन्न भिन्न कर दिया है। धर्म, भाषा या फिर क्षेत्र आदि संकीर्ण आधारों पर अनेक समूह व संगठनों ने लोगों में सामाजिक विषमता बढ़ाने का समानांतर रूप में प्रयास भी करते रहे। ये अतिवादी संगठन अपने धर्म, भाषा, क्षेत्र की श्रेष्ठता का दावा प्रस्तुत करते हैं, विद्वेषपूर्ण मानसिकता का विकास करते हैं। पर आपका भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार को सभी समस्याओं की जननी माना जाता है, क्योंकि यह राज्य के नियंत्रण, विनिमय एवं नीति निर्णय क्षमता को प्रतिकूल रूप में प्रभावित करता है। वस्तुतः ऐसा कार्य जो अवांछित लाभ को प्राप्त करने के इरादे से किया जाए, अर्थात जो सदाचार, नैतिकता, परंपरा और कानून से विचलन दर्शाता हो, तथा निर्णय निर्माण क्रिया में एकीकरण के अभाव व शक्ति का दुरुपयोग करता हो, उसे भ्रष्टाचार की श्रेणी में रखा जाता है। पर्याप्त का मादक द्रव्य व्यापार। भारत के पड़ोसी देशों में स्वर्णिम त्रिभुज, जिनमें आपका स्वर्णिम त्रिभुज में क्या आता है, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, स्वर्णिम अर्ध चंद्रा का, इसमें आपका अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान, इन्हें याद रखना है, पूछ लेता है कई बार, क्षेत्रों की उपस्थिति के फलस्वरूप मादक द्रव्य का बढ़ता व्यापार भारत की आंतरिक सुरक्षा के समक्ष प्रमुख चुनौती बनकर उभरा है। पर आपका मनी लॉन्ड्रिंग। काले धन को वैध बनाने की ही बनाना ही क्या है आपका मनी लॉन्ड्रिंग। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अवैध स्रोत से अर्जित की गई आय को वैध बनाकर दिखाया जाता है। इसमें शामिल धन को मादक द्रव्य व्यापार, आतंकी फंडिंग और हवाला इत्यादि गतिविधियों में प्रयोग किया जाता है। मापन में कठिनाई के बावजूद हर साल वैध बनाए जाने वाली काले धन की राशि अरबों में है, और यह सरकारों के लिए महत्वपूर्ण नीति संबंधी चिंता का विषय बन गया। पर आपका आतंकवाद। आतंकवाद ऐसे कार्यों का समूह होता है जिसमें हिंसा का उपयोग किसी प्रकार का भय व क्षति उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। किसी भी प्रकार का आतंकवाद, चाहे फिर वह क्षेत्रीय या फिर राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय हो, देश में असुरक्षा, भय और संकट की स्थिति उत्पन्न करता है। आतंकवाद की सीमा कोई एक राज्य, देश या क्षेत्र नहीं है, बल्कि आज यह एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या के रूप में उभर रही है। फिर आपका संगठित अपराध। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक अथवा अन्य लाभों के लिए एक से अधिक व्यक्तियों को संगठित दल जो गंभीर अपराध के लिए एकजुट होते हैं, संगठित अपराध की श्रेणी में आता है। परंपरागत संगठित अपराधों में आप अवैध शराब का धंधा, अपहरण, जबरन वसूली, डकैती, लूट, ब्लैकमेलिंग इत्यादि गैर पारंपरिक अथवा आधुनिक संगठित अपराधों में हवाला कारोबार, साइबर अपराध, मानव तस्करी, मानव द्रव्य, मादक द्रव्य व्यापार आदि शामिल हैं। अब बात करते हैं बाह्य राज्य अभिकर्ताओं की भूमिका। बाह्य राज्य अभिकर्ताओं में पड़ोसी देश या फिर छद्म व्यवस्था प्रदर्शित करने वाले देश शामिल किए जाते हैं, जो सैन्य उपकरणों या गैर सैन्य उपकरणों के माध्यम से सुरक्षा संकट उत्पन्न करना चाहते हैं। इस संदर्भ में बाह्य राज्य प्रायोजित आतंकवाद को सबसे बड़े खतरे के रूप में देखा जा रहा है। उदाहरण के लिए वर्ष 2008 में मुंबई पर हुए आतंकी हमले में स्पष्ट रूप से पाकिस्तान की संलिप्तता को देखा जा सकता है। यद्यपि राज्य यहाँ प्रत्येक रूप से युद्ध की स्थिति में नहीं है, परंतु इसे छद्म युद्ध के रूप में देखा जा रहा है। भारत जैसे देशों में अवैध घुसपैठ एवं शरणार्थियों की समस्या में भी बाह्य राज्यों का प्रत्यक्ष योगदान है, जो देश की आंतरिक सुरक्षा को अनेक रूपों में चुनौतीपूर्ण बना रहे हैं। भारत में कई अतिवादी संगठन अलगाववादी भावनाओं को प्रेरित कर रहे हैं, तथा ये अतिवादी संगठन अन्य देशों से संचालित किए जा रहे हैं। अब बात करते हैं गैर राज्य अभिकर्ताओं की भूमिका क्या है। वर्तमान परिवर्तित वैश्विक परिवेश में अनेक ऐसे नवीन
कर्ताओं का उदय हुआ है तथा उनकी भूमिका में वृद्धि हुई है, जिन्हें गैर राज्य अभिकर्ताओं के नाम से जाना जाता है। इन गैर राज्य अभिकर्ताओं के पास राज्यों की भांति वैधानिक शक्ति या संप्रभुता तो नहीं है, परंतु ये किसी भी राज्य की बाह्य एवं घरेलू नीतियों को निर्धारित एवं प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। गैर राज्य अभिकर्ताओं की परिभाषा के दायरे में गैर सरकारी संगठन, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, आतंकवादी संगठन, धार्मिक व निजातीय संगठन, पारराष्ट्रीय प्रवासी समुदाय, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया आदि आते हैं। इनमें से कुछ की भूमिका व्यवस्था समर्थक तो कुछ की व्यवस्था विरोधी होती है। एक गैर राज्यकर्ता ऐसे हैं जिनका विस्तार या प्रभाव वैश्विक स्तर पर देखा जा सकता है। अतः वर्तमान परिवेश में गैर राज्यकर्ताओं को समानांतर सरकार के रूप में भी देखा जाने लगा है। अब बात करते हैं आंतरिक सुरक्षा प्रबंधन की खामियों के बारे में। याद रहे कि अमेरिका और ब्रिटेन प्रत्येक वर्ष परिस्थितियों के अनुसार अपने आंतरिक सुरक्षा सिद्धांत को संशोधित करते हैं। उन नीतियों पर एक सार्वजनिक चर्चा आयोजित की जाती है, लेकिन इस मोर्चे पर भारत ने अपने दोनों महत्वपूर्ण साझेदारों से कुछ नहीं सीखा, जबकि हम जानते हैं कि भारत में यह समस्या और भी जटिल है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए दीर्घकालिक नीतियां बनानी होती हैं, और दीर्घकालिक नीतियों के अंदर ही वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम अल्पकाल के लिए कुछ चुनौतियां बनाते हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है ना तो जम्मू और कश्मीर व पूर्वोत्तर भारत को, लेकिन हमारी कोई दीर्घकालिक नीति है और न ही माओवादी विद्रोह से निपटने के लिए कोई रणनीतिक दृष्टि है। अधिकांश राज्यों में पुलिस अभी भी पुरातन व्यवस्था के अनुपालन को मजबूर है। याद रहे कि सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2006 में पुलिस सुधारों को लागू किए जाने का निर्देश दिया था, लेकिन इन दिशा निर्देशों का तमाम राज्यों को हद तक केरल को छोड़कर अब तक छदम अनुपालन ही किया है। न्यायिक निर्देशों के अनुपालन के लिए भारत सरकार ने कभी गंभीरता नहीं दिखाई, यहां तक कि दिल्ली पुलिस विधेयक को भी यह अंतिम रूप देने में विफल रहा। बात करते हैं आंतरिक सुरक्षा को बेहतर करने के उपाय क्या हो सकते हैं। सर्वप्रथम राष्ट्रीय स्तर से लेकर स्थानीय स्तर तक खुफिया तंत्र में तत्काल सुधार की आवश्यकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और सुरक्षा पर गठित कैबिनेट समिति की ओर भारत पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ISI से उत्पन्न सुरक्षा खतरों के खिलाफ एक प्रभावी जवाबी रणनीति तैयार करनी चाहिए। हमारी रणनीति प्रतिक्रियाशील के बजाय अधिक सक्रियता की होनी चाहिए। केंद्र सरकार को सभी राज्य सरकारों को उनके द्वारा सुरक्षा प्रबंधन के विषय को प्राथमिकता देने की आवश्यकता के संदर्भ में जागरूक किया जाना चाहिए। जिस समय सुरक्षा बलों द्वारा नक्सलवाद और आतंकवाद विरोधी अभियान चलाए जा रहे हैं, उस समय राज्य सरकार को विकास योजनाओं के क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इस दिशा में समाधान पहले एक सराहनीय कदम है। हमारी राज्यों के पुलिस बल के आधुनिकीकरण की ओर तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। आर्थिक अपराधों से निपटने के लिए संबंधित नियामक एजेंसियों के बीच समन्वय सुनिश्चित किया जाना चाहिए। केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो इस संबंध में प्रमुख भूमिका निभा सकता है। संगठित अपराध से निपटने के लिए अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने की दिशा में कार्य करना चाहिए। साइबर सुरक्षा के लिए हम विभाग में विशेष सेल बनाए जाने के साथ साथ IT अधिनियम में संशोधन कर सजा के सख्त प्रावधान किए जाने चाहिए। सीमा को तकनीकी की सहायता से प्रबंधित व निगरानी करने की आवश्यकता है। भारत सरकार को एक समग्र राष्ट्रीय सुरक्षा नीति बनाने की आवश्यकता है। इस नीति के माध्यम से एक राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों का मंत्रालय तथा राष्ट्रीय सुरक्षा प्रशासनिक सेवा नाम से एक अलग केंद्रीय सेवा गठित की जानी चाहिए। अब इसका निष्कर्ष भी जान लेते हैं। निश्चित ही सरकार ने इस दिशा में आंशिक प्रयास जरूर किए, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना, रक्षा नियोजन समिति की स्थापना, लेकिन ये सभी निकाय अपने अपने स्तरों पर कार्यरत हैं। आवश्यकता है कि ऐसी नीति और ऐसी संरचना की जो इन सभी को एक साथ लेकर चले।
आज हालात ऐसे हैं कि बाह्य और आंतरिक सुरक्षा में भेद करना कठिन हो गया। हमारी सुरक्षा को वास्तविक खतरा गुप्त कार्रवाइयों, विद्रोही और आतंकवादी गतिविधियों से है। तो चलिए, यह था आपकी भारत की सुरक्षा से संबंधित प्रमुख आर्टिकल। ठीक है।